जो भी हम अपना टॉपिक ले रहे हैं उसे पूरी पूरी तरह कंप्लीट करें, जो भी हम बोल रहे हैं उसे क्लियर बोले और एक मतलब अच्छे तरीके से बोले जो दूसरे को समझ आए। किसी वर्ड को और बोला है वो क्लियर बोला है, हमें जो भी हम बोल रहे हैं उसे सही होना चाहिए, हमें अपना पूरा और जो उसके सिम्टम्स थे उसमें सबसे पहले खांसी हुई थी मेरे को, जुकाम बुखार वगैरह और फीवर हुआ और सिर दर्द वगैरह खांसी हुई हमारे को। उसके कारण हमारे यहाँ पे स्कूल भी बंद हो गए थे और लॉकडाउन लग गया था और लोगों को लगी थी धीरे धीरे सभी सर ये सबसे पहले बड़ों को लगी थी। उसके बाद संचार क्या है? संचार मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं अपने जो विचारों को व्यक्त करते हैं उसे संचार कहते हैं। और सेंडर मैसेज फीडबैक और रिसीवर, सेंडर्स जो संदेश को भेजता है और मैसेज जो मैसेज भेजा होता है कि क्या मैसेज भेजा हुआ है जो भी मैसेज भेजा हुआ है, और फीडबैक जो वहाँ से जो हमें फीडबैक मिलती है कि उसका क्या फीडबैक मिल रहा है, और रिसीवर जो उसे रिसीव करता है उसे रिसीवर। कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट हो गया, कॉल हो गया, लेटर हो गया, फेस टू फेस हो गया। और कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है वो कैसे है? वर्बल कम्युनिकेशन है, हम बोल के संचार करते हैं, और रिटर्न हम लिख के किसी को संदेश भेजते हैं, और विजुअल कम्युनिकेशन जैसे हम किसी पिक्चर्स से करते हैं और कहते हैं सिंबल्स होते हैं उनकी वजह से उनके उससे जो हम संचार करते हैं उसे दृश्य संचार कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है, इसमें पोस्चर जेस्चर आ जाता है, टच आ जाता है, स्पेस आ जाता है, और जो आई कॉन्टैक्ट होता है वो, और पैरा लैंग्वेज। फेशियल एक्सप्रेशन में मतलब ये होता है कि हम मतलब जैसे किसी का फेस किस उसमें है, मतलब जैसे अगर वो खुश है तो उसके फेस पे वो होगा कि भाई हाँ ये खुश है, और जैसे अगर वो गुस्सा है तो उसके फेस पे जो उसका रिएक्शन होगा उसको देख के पता लग जाता है कि खुश है गुस्सा जो भी है ना। किस तरीके से हम उसको मतलब इशारे करते हैं, मतलब कि जैसे कि हम कितना मतलब ये रेड हो गया और मतलब सिखाना चाहिए मतलब हैंड से, और हेड से जो भी मूवमेंट करते हैं, यस कान होगा जो भी होता है उसको जेस्चर लैंग्वेज में, हमारी जो हम जैसे बोल रहे हैं हमारी टोन क्या है ना। थैंक यू।